फ्रेंड्स, आज मैं इमेका आपको मित्रता पर एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का शीर्षक है सुनहरी मछली। ये मार्कस फिस्टर की कहानी द रेनबो फिश पर आधारित है। एक विशाल गहरे समुद्र में एक मछली रहती थी। वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसके रंग बिरंगे शल्कों के बीच कई सुनहरे शल्के थी, इसलिए सब उसे सुनहरी मछली कह के पुकारते थे। उसको अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार था। वह अन्य मछलियों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी। जब वे उसे खेलने बुलाते तब सुना अनसुना करके आगे बढ़ जाती। एक दिन नीली मछली ने उसे रोका और पूछा, सुनहरी मछली, क्या तुम अपना एक सुनहरा शल्क मुझे दोगी? बिल्कुल नहीं, भला मैं अपना शल्क तुम्हें क्यों दूं? प्लीज मुझे दे दो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं। बार बार मांगने पर भी सुनहरी मछली नहीं मानी। उसने नीली मछली को डांट कर भगा दिया। अब वो उदास हो गई। उसने रोते रोते अपनी सहेलियों को सारी बात बताई। अन्य मछलियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने सुनहरी से बात करना ही बंद कर दिया। अब वो अकेली पड़ गई, उदास रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसे नीली मछली दिखी। फौरन उसने उसे रोका और पूछा, नीली मछली, क्या तुम मेरा एक सुनहरा शल्क लोगी? ओहो, सुनहरा शल्क मिलते ही नीली मछली खुशी से झूम उठी, नाचने लगी, बार बार सुनहरी को धन्यवाद देकर प्यार करने लगी। नीली मछली को इतना देखकर सुनहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी चीज देखकर कोई इतना खुश हो गया। उसने एक-एक करके समुद्र की अन्य मछलियों को अपने गायशल बांट दिए। अन्य मछलियां भी बहुत खुश हो गई। उनके साथ सुनहरी भी खुश होती गई। सुनहरी को सब अपने दोस्त लगने लगे। अब मुझे समझ आ गया है कि जब हम अपनी चीज दोस्तों में बांटते हैं तो उनकी खुशी और हमारी खुशी दोनों ही बढ़ती है। दोस्तों की खुशी में ही खुश रहना ही असली दोस्ती है। धन्यवाद।